इंसानियत शर्मसार, नवजात को SNCU वार्ड में छोड़कर मां बाप फरार। किशनगंज जिले में जन्म के कुछ दिन बाद ही नवजात बच्ची को सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में छोड़कर परिजन फरार हो गए। वहीं इस मामले को लेकर अस्पताल के डॉक्टर ने टाउन थाने की पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही टाउन थाना में तैनात अपर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के पदाधिकारी पहुंचे और बच्चे के माता पिता से संपर्क करने में लगे हुए हैं। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि बच्ची का जन्म 22 जून को किसी निजी नर्सिंग होम में हुआ है। इसके बाद 25 जून को सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ थी, दरअसल बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ है। वहीं जब बच्ची को लेकर उसकी माँ सदर अस्पताल आई उस समय हालत काफी गंभीर थी। ये बच्ची लगभग 13 दिन की है। डॉक्टर ने कहा कि माता पिता से संपर्क नहीं हो सका है, हालांकि उसके मामा से संपर्क हुआ है। मामा ने कहा कि वह काम में बिजी है इसलिए नहीं आ सकता है। मामा ने इसके पिता का नंबर दिया है। ऐसा पूरा मामला है, एक बच्ची जो है जिसका गार्जियन अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हम लेके जाएं या देखें उनको। लगभग 25 तारीख के आसपास उसका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है यहाँ, और 22 तारीख को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था। अभी तक एक तारीख तक के बाद एक के बाद से कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं है कि जाना है या देखना है, आगे देख भी नहीं रहा है। तो परिजनों का कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी तो होगा? है, उन पर कॉल किया जा रहा है। कॉल करने के बाद यही बताया जा रहा है हम लोग बिजी हैं, हम लोग नहीं आ पाएंगे, या फिर कभी सुई जाओ कभी कुछ, यही बताया जा रहा है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, चाइल्ड हेल्पलाइन किशनगंज कोऑर्डिनेटर। तो परिजनों का एड्रेस होगा, कहाँ का होगा? परिजन पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक। कि वो पालने में असमर्थ है, वहाँ पे उनको और भी ऑलरेडी 5-6 बेबी है, लड़की की संख्या भी होने की वजह से इसको नहीं। अच्छा, ये क्या मतलब, लड़का है कि लड़की है? लड़की है, ऑलरेडी पहले से भी लड़की है उनके पास 4-5। ठीक, ये 6 नंबर की है जैसा पता चलता है। इसको पालने में असमर्थ है क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, हम इनको लेके जाए। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।